इस वीडियो में हम समझेंगे इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस ऑफ वेव। एक ऐसा इंटरफे है जिसमें लाइट वेव्स एक दूसरे को सुपर इम्पोज करती है मतलब मिक्स होती है सुपर इम्पोज होने के बाद एक न्यू लाइट वेव क्रिएट होती है जो दोनों वेव के कॉम्बिनेशन से बनती है इंटरफेरेंस में दोनों लाइट वेव wave की वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी और फेज सेम होती है आइए इसे हम डिटेल में समझते हैं जैसा कि हम जानते हैं लाइट रे वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है और हर लाइट वेव की पर्टिकुलर वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी और फेज होती है अब मान लीजिए कि दो लाइट वेव वाई वन और वाई टू है जो सेम मीडियम में ट्रेवल कर रहे हैं ये दोनों लाइट वेव एक दूसरे को सुपर करती है जिससे एक रिजल्टेंट लाइट वेव बनती है और इस फिनोमिना को हम सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कहते हैं सुपरपोजिशन दो या दो से ज्यादा वेव्स के सुपरिम्पोज होने पर होता है अगर हम इंटरफेरेंस की बात करें तो ये लाइट वेव की सुपरपोजिशन का एक स्पेशल केस है जिसमें दो लाइट वेव्स एक दूसरे को सुपरिम्पोज करती है इसमें दोनों लाइट वेव wave का वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी और फेस सेम होता है इंटरफेरेंस मेनली दो टाइप के होते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब दोनों वेव के क्रेस्ट और ट्रॉफ में हो तब जो रिसल्टेंट बनता है उसमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है और उस इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं जब पहले वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के ट्रॉफ के साथ और पहले वेव का ट्रॉफ दूसरे वेव के क्रेस्ट के साथ हो तब जो रिजल्टेंट वेव बनती है उसमें मिनिमम एम्पलीट्यूड होता है और उस इंटरफेरेंस को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में